रखवा अपनी हथेली बोल रही हो तुम। कल हमारे सैलान के बाद वो कहलाएगी मालवा की वाह। बहुत सिंबॉलिक सा शॉट था कि उसने वीड़ा बनाना ऐसे हम लोग जो बोलते हैं तो वो पान बनाया था, तो पान बनाने वाले उसने जो भी मेरे आने से पहले जो भी उसका सीन रखमा का और तुकोजी का होता है तो उसमें वो बहुत सारी उसके ख्याली पुलाव उसका चल रहा है तो उसके ख्यालों को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसे वो सिंबॉलिक शॉट है कि वो तो आप देखना, अभी मैं बताऊँगी तो फिर पूरा स्टोरी पता चलेगा। बट हाँ, अभी फ़िलहाल मल्हारराव की स्टेट कुछ ऐसी है कि ही इज़ मेंटली डिस्टर्ब्ड क्योंकि वो अपने बेटे को खो चुके हैं और दामाद भी ऐसे निकला है कि गद्दार निकला है, पता चला है कि अपने बेटे का खूनी अपना दामाद ही होता है। तो बहुत मुश्किल और बहुत कठिन घड़ी चल रही है मल्हारराव के लिए। तो फ़िलहाल वो अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए वो थोड़े कम पड़ रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। इज़ वेरी डिस्टर्ब, जिसकी वजह से सासू भाई भी परेशान हैं कि कैसे होगा। तो वी आर वर्किंग ऑन पोस्ट खंडेरावज़ डेथ, कैसे चीज़ें वाड़े में हैं और क्या चेंजेस हुए हैं हर किसी के लाइफ में। और कट्टू हमें ये पता चलता है कि घर का और एक इंसान जो था वो देशद्रोह निकला, तो इस सब का भी इफ़ेक्ट जो है पूरे फैमिली पे वो हम धीरे धीरे बता रहे कि कौन कैसे उस चीज उसका इम्पैक्ट कैसे हुआ है हर किसी पर। एक्शन। ठीक है। तो जी भाई जी, आप इन रियासतों की पूरी जानकारी और हमें इन रियासतों में जाने के लिए प्रवेश और इन रियासतों में जाने के लिए प्रवेश द्वार क्या है। अहिल्या कभी भी थ्रोन पे मुझे नहीं लगता वो बैठना चाहती थी कि मैं रूल करूँ, ऐसा कभी भी उसका ख्याल नहीं था, थॉट नहीं था उसका। लेकिन क्या है, एक राजा है तो राजा या राजघराना जो आता है तब उनका खुद के पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा हो वो भले चले, लेकिन सिटीजन्स या जो भी जो प्रजा है उनके प्रति जो उनका उनका कर्तव्य है, उनके जो फ़र्ज़ है वो तो उन्हें निभाना ही पड़ेगा। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि जो उत्तराधिकारी था खंडेराव वो तो गुजर गए और जो अभी बैठे हुए मतलब जो राजा है असली में मल्हारा वो इतने डिस्टर्ब्ड है, इतनी पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके हैं, अंदर से मुरझा हुआ फ्लावर नहीं होता वैसे वो हो गए हैं, होपलेस से हो गए हैं कुछ भी करने के लिए। उनके अंदर का जो योद्धा है वो भी कहीं ना कहीं क्या बोलूँ, सो गया है कुछ समय के लिए, ऐसा मैं कह सकती हूँ। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि वो उभर जाए वापस, वो वापस मल्हारराव वापस वो फील करे कि नहीं हमें आगे बढ़ना चाहिए, एक राजा का कर्तव्य उन्हें निभाना चाहिए और इतनी हताश ना हो वो, ये मेरी कोशिश है। बट अहिल्या ये करते करते उसे ये समझ में आता कि नहीं बाबा साहेब ये कर नहीं पा रहे, ही इज़ वेरी हर्ट। तो अभी ये सारी ड्यूटीज़ जो है वो कौन पार पड़े कौन कंप्लीट करेगा। तो फिर बाबा साहब को लगता है कि वो अहिल्या इज़ द बेस्ट पर्सन, शी इज़ द बेस्ट कैंडिडेट जो ये सारी ड्यूटीज़ निभा सके या कर सके। तो वो अभी उनका डिस्कशन चल रहा है कि सासू भाई ऑल्सो अग्रीज बिकॉज दे नो कि अहिल्या कितनी काबिल थी और उसका कितना प्यार और कितनी वो डेडिकेटेड थी अपने प्रजा को लेकर। तो दे नो दैट दे कैन कम्प्लीटली ट्रस्ट अहिल्या भाई, सो दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। एक आखिरी संदेश भेजिए कि हमारी बाकी के सरदार महसूल देवी हमारे बाकी के सरदार महसूल देवी की अभी फ़िलहाल पता चला है कि कुछ हमारे जो बाकी के सरदार हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं हमारे साथ,
वाड़े के साथ और वाड़े के जो मतलब जो नियम है, जो महसूल देना पड़ता है हर किसी को, वो नहीं दे रहे हैं। तो अभी एक आखिरी संदेश मैं तो कुछ भाव जी को बोलती हूँ कि आप भेज दो, कि बाकी सब लोग मान चुके हैं, अगर जो नहीं मानेगा उनके साथ यू नो दिल बी अंडर इंटरोगेशन और कड़ी कार्रवाई की जाएगी उनके साथ। तो वो मैं अभी बोल के आई हूँ, अभी देखते हैं आगे क्या होता है।